हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं हम लोग सेकंड वीडियो आर्टिकल का। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल्स के बेसिक्स डिस्कस किए कि आर्टिकल सेक्शन में ए एंड द क्यों यूज करते हैं, क्या उनके मीनिंग्स होते हैं अगर हम सेंटेंस में यूज करते हैं और क्या हम उनके थ्रू कहना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स हमने क्लियर किया, हालांकि एक दो क्वेश्चन हमने वहां पर भी डिस्कस किए थे जो हमारे कॉम्पिटेटिव सिलेबस में होते हैं। अब आज हम जो भी वीडियोस बनाएंगे या जो आगे अब आने वाले वीडियोस बनाएंगे आर्टिकल में, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स पर बेस्ड किस टाइप के हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, किस तरीके से इनके यूज हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अ ब्रदर ऑफ डैश, अ ब्रदर ऑफ डैश सेंट मी दिस गिफ्ट। और एक दूसरा लिखा, द ब्रदर ऑफ डैश सेंट मी दिस गिफ्ट। तो ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, अ ब्रदर ऑफ डैश सेंट मी दिस गिफ्ट, द ब्रदर ऑफ डैश सेंट मी दिस गिफ्ट। मैं के लिए आपको ऑप्शन दे देता हूं, आई मी माय और माइन, ये हमारे ऑप्शंस हो गए। ठीक है, वी हैव टू चूज वन ऑफ दीज ऑप्शंस। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, ये जो क्वेश्चन है और ये जो ऑप्शन है, हमें पता लगाना है कि इन क्वेश्चंस में से इनमें कौन सा ऑप्शन हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो काम करना चाहिए वो ये कि ये इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब क्या है इन ऑप्शंस में डिफरेंस, पहले वो समझें, फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो समझें, फिर उसके बाद में कौन सा ऑप्शन किस क्वेश्चन में फिट बैठेगा, मतलब किसके लिए बना हुआ है, वो फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो ये जो हमने चार ऑप्शंस दिए, इनमें से ये दो ऑप्शंस जो है ना, वो किसी भी केस में आंसर नहीं हो सकते। आई और मी किसी भी केस में आंसर नहीं हो सकते। आई के आंसर नहीं हो पाने की बड़ी वजह तो ये कि ये सब्जेक्ट होता है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट होने के लिए लिखा जाता है, लेकिन सब्जेक्ट तो हमारे पास पहले से ही है ब्रदर, तो वी डोंट रिक्वायर अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तो हमें जरूरत ही नहीं है, चूंकि सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो आई तो हो गया गलत। ठीक है, अच्छा माई क्यों गलत हो गया, माई इसलिए गलत हो गया क्योंकि माई डिटरमिनर होता है, बिना नाम के आएगा नहीं। मैंने आपसे कहा भी था कि आप एक काम करें, जो इंग्लिश फंडामेंटल्स नाम के हमने वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, काफी पहले अपलोड किए थे, 1, 2, 3, 4, उनको एक बार जरूर देखें। हालांकि डिटरमिनर्स का भी वीडियो हमने डाल रखा है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो जो माई वर्ड है ना, ये डिटरमिनर है, अब चूंकि ये डिटरमिनर है, बिना नाम के यूज होगा नहीं, डिटरमिनर्स बिना नाम के नहीं यूज होते, उनका काम होता है नाउंस को डिटरमिन करना। अब हम देख रहे हैं कि ब्लैंक के बाद कोई नाउन तो लिखा नहीं है, सेंट वर्ब यूज हुए डायरेक्ट, यहाँ भी एक वर्ब है, यहाँ भी एक वर्ब है, वी डोंट हैव अ नाउन, तो नाउन है नहीं तो डिटरमिनेंट माइन यूज हो सकता। आई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है नॉमिनेटिव केस का, सब्जेक्ट हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है ब्रदर। ठीक है, दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन लिखोगे तो ऑब्जेक्टिव केस के आएंगे, आई नॉमिनेटिव केस का होता है तो ये आएगा नहीं। तो कुल मिला के आई और माई ये दोनों ऑप्शन गलत है, ये किसी भी केस में आंसर नहीं हो सकते। मी और माइन ये दो ऑप्शन हमारे पास बच गए। अब हमें पहले इनका डिफरेंस समझना, अगर हम ये जानना चाहते हैं कौन सा ऑप्शन कहां पे होगा तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मी और माइन में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखिए, मी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्टिव केस का, ये जैसे आई होता है और मी होता है, ये दोनों सेम होते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। तो आई भी स्पीकर के लिए यूज किया जाता है, मी भी स्पीकर के लिए यूज किया जाता है, अगर स्पीकर सब्जेक्ट है तो अपने लिए आई यूज करेगा, ऑब्जेक्ट है तो अपने लिए मी यूज करेगा। जैसे कि आई नो देम, दे नो मी, तो आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों जगह बात उसी की हो रही है, स्पीकर अपनी ही बात कर रहा है, यहां भी अपनी बात कर रहा है और यहां भी अपनी बात कर रहा है, यहां पर वो ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, यहां पर सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस में लिखा है। तो आई और मी में कोई डिफरेंस नहीं होता सिवाय इसके कि एक सब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है, दोनों ही स्पीकर के लिए होने वाले प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो मी का मतलब हो गया स्पीकर, जो बात बता रहा है वो। ठीक है, एक पर्सन। अच्छा, माइन क्या है, माइन है पजेसिव केस का प्रोनाउन, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आगे ध्यान रखेंगे कि जैसे माइन है, आवर्स है, योर्स है, हर्स है, हिज है और देयर्स है,
ये हमारे पजेसिव केस के प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस, ठीक है, ये हमें नहीं, ये हमारे पजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। पजेशन का मतलब समझना, जैसे हमने माइंड लिखा तो माइंड का मतलब मेरा कोई पजेशन, माई प्लस पजेशन, पजेशन का मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, कोई भी नाम जिसके बारे में बात की जा रही है वो। अच्छा फिर ये माई क्या है ये भी समझ लेना, माइंड आवर योर्स, आवर्स यहां से माइंड आवर्स योर्स हर्स हिज देयर्स, ये हमारे प्रोनाउन है, पजेसिव केस के प्रोनाउंस हैं और ये हमें नहीं हमारे पजेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अभी एक एग्जांपल से समझ लेंगे, माई आवर योर हिज हर देयर इट्स, अब ये क्या है, ये क्या प्रोनाउन नहीं है, तो आंसर ये कि ये प्रोनाउन नहीं है, ये पजेसिव केस के डिटरमिनेंट्स है, ये है पजेसिव केस के डिटरमिनेंट्स जिनको हम नाउंस के साथ में लिखकर यूज करते हैं। तो माइन आवर्स योर्स हर्स हिज देयर्स ये प्रोनाउंस है, ठीक है, जो हमारे पजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जगह पर यूज किए जाते हैं। माई अवर योर हिज हर देयर इट्स ये हमारे डिटरमिनेंट्स हैं जो पजेशन के साथ लिखकर यूज किए जाते हैं, ठीक है, और ये प्रोनाउन है पजेशन की जगह पर यूज किए जाते हैं, क्योंकि प्रोनाउन है तो नाउन के साथ तो यूज होंगे नहीं, उसकी जगह पर यूज होंगे, ठीक है। तो ये जो माइन है ये पजेसिव केस का प्रोनाउन है, ये पर्सन को नहीं, पर्सन के पजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल को समझना, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज योर बुक एंड दैट इज माइन, तो ये माइन प्रोनाउन है और हमने कहा ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब ये पर्सन को नहीं, पर्सन के पजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, पर्सन के पजेशन, किस पजेशन की बात हो रही है, यहाँ पे बुक की बात हो रही है, तो जैसे यहाँ पे योर लिखा है तो माइन का मतलब हो गया माइन। अब हम इसे चाहे माइन लिखें माई बुक लिखें वो हमारी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि बुक नाउन हम पहले रेफर कर चुके हैं सेंटेंस में, तो बजाय के उसको रिपीट करने के हमने उसके लिए प्रोनाउन लिखे, तो माई बुक की जगह पर प्रोनाउन आ गया माइन। अब देखो ये जो माइन हमने लिखा ये प्रोनाउन है और ये जो योर हमने लिखा ये हमारा डिटरमिनर है, ये डिटरमिनर है इसलिए हमने नाउन के साथ इसे यूज किया लिखकर, ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन है तो इसीलिए हमने इसको बगैर नाउन के यूज किया, क्योंकि वो प्रोनाउन है तो नाउन की जगह पर यूज होगा, साथ में नहीं होगा, ठीक। तो जब ये बात आपको समझ में आ जाए कि माइन जो है वो प्रोनाउन है और मी जो है वो भी प्रोनाउन है, माइन पजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, मी पर्सन का प्रोनाउन है, माइन उसके पजेशन का प्रोनाउन है, तो यहाँ पे माइन का मतलब है माय बुक, क्योंकि बुक की बात हो रही है, यहाँ पे माइन का मतलब माय ब्रदर, क्योंकि ब्रदर की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि माइन और मी का डिफरेंस क्या है, अगर हमें मी और माइन का डिफरेंस समझ में आ गया कि मी का मतलब पर्सन जिसके जो बात कर रहा है और माइन का मतलब उसका पजेशन, पजेशन मतलब ब्रदर्स जिसकी बात हो रही है, तो क्वेश्चन का डिफरेंस हमें समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल ए और आर्टिकल द, इनके डिफरेंस पे, क्योंकि अगर हम ऑप्शन का डिफरेंस समझ गए तो क्वेश्चन का भी डिफरेंस समझना पड़ेगा, भाई दोनों क्वेश्चन में क्या ऐसा डिफरेंस है कि जिसके वजह से हमें वहां पर अलग अलग ऑप्शन यूज करने पड़ जाएंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शन क्वेश्चन में केवल इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने आर्टिकल ए यूज किया और यहाँ पे हमने आर्टिकल द यूज किया, ठीक है। अब जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर्टिकल ए अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसी ऐसे की बात कर रहे हैं जो कि इंडेफिनिट है। फिर हमने पढ़ा कि कोई भी इंडेफिनिट कब होता है, जब वो वन ऑफ मेनी भाई बहुत से लोग हैं उनमें से किसी एक पर रेफर करना है, ठीक है, तो वो इंडेफिनिट हो गया। तो जब हम बहुतों में से किसी एक की बात करते हैं, वन ऑफ मैनी, तो वो इंडेफिनिट होता है। लेकिन अगर हम किसी एक स्पेसिफिकली बात करें और कोई हो ही ना, ठीक है, तो फिर वो हमेशा डेफिनेट होता है। तो अगर हम द ओनली वन की बात करें, अगर हम किसी ऐसे की बात करें जो एक ही है, तो वो डेफिनेट है, द आर्टिकल के साथ लिखा जाएगा। अगर हम किसी ऐसे की बात करें जो वन ऑफ मैनी है, कईयों में से एक है, तो कोई भी हो सकता है, तो वो इंडेफिनिट है। तो होता क्या है कि कोई भी नाउन इंडेफिनिट तब होता है जब वो वन ऑफ मेनी हो, अगर वो द ओनली वन है तो वो इंडेफिनिट नहीं होता, ठीक है। अब ऐसे समझना, अगर मैं आपको लिख रहा हूं अ ब्रदर, तो अ ब्रदर का मतलब क्या हुआ, इंडेफिनिट ब्रदर। अगर हम ब्रदर के साथ में आर्टिकल ए यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब भाई एक तो होगा नहीं, क्योंकि एक होगा तब तो डेफिनेट हो जाएगा, तो इसका मतलब भाई कई होंगे। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये वाली सिचुएशन है वन ऑफ मेनी, ठीक है। अच्छा फिर हमने लिखा था ब्रदर, द लिखा आर्टिकल, द आर्टिकल का मतलब भाई डेफिनेट है, डेफिनेट है का मतलब वो एक ही होगा और होंगे नहीं, तो ये भाई यहाँ पे डेफिनेट है, तो डेफिनेट का मतलब यहाँ पे भाई एक ही है और यहाँ पे भाई कई। फिर से एक बार समझो,
अगर हम ब्रदर के साथ में आर्टिकल ए लिख रहे हैं जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो इसका मतलब जिस सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिचुएशन वन ऑफ मेनी है, मतलब हम कईयों में से एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम द आर्टिकल लिख रहे हैं जिसका मतलब जिसकी बात कर रहे हैं वो पर्सन एक ही है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन और एक ही है। अब जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि ये सिचुएशन वन ऑफ मेनी है, ये सिचुएशन स्पेसिफिक पर्सन को लेकर बात की जा रही है, ठीक है, तो ये मामला वन ऑफ मेनी वाला हो गया। अब ये वो वन हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है जिसने गिफ्ट भेजा वो एक भाई है, ठीक है। अच्छा, ये वन ऑफ मेनी किन में से है, उन सबको अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। ये तो बने पार्ट हो गया ना, पर यहाँ पे वो टोटल लिखना पड़ेगा जिसमें से एक को हम रेफर कर रहे हैं। अब उस टोटल को रिप्रेजेंट कौन करेगा, मी या माइन? तो ऑब्वियस है जो माइन करेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइन। माइन का मतलब है माई टोटल ब्रदर्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं द ब्रदर ऑफ डैश। अब हमने द आर्टिकल लिखा, द आर्टिकल का मतलब भाई जो है वो एक ही होगा, वो वन ऑफ मेनी तो होगा नहीं, कई होने से तो एक होगा नहीं। तो अगर यहाँ पे और कोई है ही नहीं तो फिर हम माइन यूज किसके लिए करेंगे, तो माइन ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारा मी आएगा। तो ये हो जाएगा द ब्रदर ऑफ मी सेंट मी दिस गिफ्ट, अब ब्रदर ऑफ माइन सेंट मी द गिफ्ट, ठीक है। तो अगर हम आर्टिकल ए लिख रहे हैं तो उसका मतलब वन ऑफ मैनी की बात कर रहे हैं, ये वो वन हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वो मैनी आ गया जिसका ये पार्ट है। अब सोचने वाली बात है कि जब हम अपने भाइयों में से एक की बात कर रहे हैं तो द क्यों नहीं लिख रहे हैं, द इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी नॉन डेफिनेट तब होता है जब हमारे लिसनर को भी पता। मेरे भाइयों में से एक ने मुझे गिफ्ट भेजा, मुझे तो पता है किसने भेजा, लेकिन मैं जिसे बता रहा हूँ उसे तो नहीं पता वो भाई कौन है, तो उसके लिए तो इंडेफिनिट है, तो इसीलिए हमने आर्टिकल ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, हालांकि नहीं आई होगी समझ में भी, तो हम इसको और डिटेल में देखो देख लेते हैं, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, ठीक है। मैंने लिखा माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, एक और लिखा माय ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, ठीक है। अब देखो माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, माय ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, हमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर हम ये लिख रहे हैं माय ब्रदर इज अ डॉक्टर और हम लिख रहे हैं माय ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, इनका मतलब क्या है। माय ब्रदर लिखा किसका मतलब एक भाई है और वो डॉक्टर है, ठीक है। माय ब्रदर्स डॉक्टर्स का मतलब कई भाई हैं और सब डॉक्टर, तो इसका मतलब है मेरा एक भाई है जो कि डॉक्टर है, और इसका मतलब है मेरे कई भाई हैं और सब डॉक्टर है। अब ये दो सिचुएशन होगी कि एक भाई है डॉक्टर है और कई भाई हैं सब डॉक्टर हैं, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन और देखो कि भाई कई है डॉक्टर कोई एक ही है, ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे, तब क्या हम ये लिखेंगे माय अ ब्रदर इज अ डॉक्टर, तब के हम इसे ऐसे लिखेंगे माय आवर ब्रदर इज अ डॉक्टर। अगर ऐसे लिखोगे तो हालांकि तुम लोग जान चुके हो गलत है, ठीक है, ये लिखना गलत है माय आवर ब्रदर इज अ डॉक्टर। मैं बता देता हूँ गलत क्यों, ये गलत इसलिए है क्योंकि जो ब्रदर नाउन है इसके साथ हमने दो डिटरमिनेंट लिखे, एक लिखा माय और एक लिखा ए। अब माय हो गया वजह से कैसे डिटरमिनेंट है, ये हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल। अगर हम माय लिख रहे हैं तो इसका मतलब भाई डेफिनेट हो गया, विच ब्रदर माय, ठीक है। अगर ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब इंडेफिनिट रह गया, तो ए आर्टिकल इंडेफिनिट नाउन से यूज होते हैं। अब एक ही नाउन एक ही सेंटेंस में एक ही बार में दोनों तो नहीं हो जाएगा, या तो डेफिनेट है इंडेफिनेट है, डेफिनेट है तो माई लिखा रहने दो, इंडेफिनेट है तो ए लिख दो, ये दोनों एक साथ में गलत हो गए। अब ये गलत हो गए, ठीक है, तो सेंटेंस गलत हो गया। अब हमें सेंटेंस को सही करना है। अब हमें पता है ये मामला वन ऑफ मेनी वाला हो गया क्योंकि भाई कई है डॉक्टर एक है। अब हमें कईयों में से एक को रेफर करना है, वी हैव टू रेफर वन ऑफ मेनी, कईयों में से एक को रेफर करना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे वन ऑफ माय ब्रदर्स इज अ डॉक्टर, वन ऑफ माय ब्रदर्स इज अ डॉक्टर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे वन ऑफ माय ब्रदर्स इज अ डॉक्टर, तो ये सही हो गया, ये वो वन हो गया जो डॉक्टर है और ये टोटल हो गया मेरे ब्रदर्स, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये जो वन हमने लिखा है इस वन का मतलब क्या है, इसका मतलब है वो ब्रदर जो कि डॉक्टर है। अगर हम चाहें तो इस वन को उस नाउन ब्रदर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी जगह इसे यूज किया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं वन को हटाते हैं और इसकी जगह लिख देते हैं वो नाउन जिसके लिए इसे यूज किया गया आ ब्रदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वन को हटा के आ ब्रदर ही लिख दिया क्योंकि वो वन जो था वो ब्रदर की जगह पे यूज हुआ था, तो हमने ब्रदर को ही लिख दिया आ ब्रदर। वन का मतलब कोई एक भाई पर्टिकुलर लेकिन डेफिनेट नहीं, तो हमने क्या किया पढ़ा पिछली क्लास में कि जो एन आर्टिकल होते हैं वो हम पर्टिकुलर नाउन को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, जो होता है एक ही है लेकिन वो कौन सा है ये स्पीकर को नहीं पता, तो हम उसके आदमी दा नहीं लिख सकते, तो हमने लिखा आ ब्रदर क्योंकि स्पीकर को तो अभी भी नहीं पता वो भाई कौन है।
अच्छा आप ब्रदर आ गए, ये ऑफ आ गए, ये सेम ऑफ यहीं पे आ गया, ठीक है। अब ये माय ब्रदर्स जो है, या तो हम ऐसे लिखते हैं ब्रदर और माय ब्रदर्स, बट दैट सीम्स ऑकवर्ड, बोलने में भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, चूंकि ब्रदर नाउन हम पहले लिख ही चुके हैं, तो हम दोबारा ब्रदर्स नाउन को मतलब ना लिख के उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज कर लेंगे। माय ब्रदर्स की जगह पर अगर प्रोनाउन यूज करना पड़े तो क्या लिखोगे, मी या माय? मुझे लगता है सबको पता है कि माय नहीं आएगा, तो हम माय ब्रदर्स को जब रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा माय। तो ये हो जाएगा अ ब्रदर ऑफ माइन इज अ डॉक्टर, अ ब्रदर ऑफ माइन इज अ डॉक्टर। बात समझ में, ये जो हमने लिखा है ब्रदर ऑफ माइन और ये जो हमने लिखा है वन ऑफ माय ब्रदर्स, ये दोनों एक ही बात है। ये केवल कहने के एक ही बात को दो तरीके हैं, चाहे हम कहते हैं वन ऑफ माय ब्रदर्स इज अ डॉक्टर, चाहे हम लिखते हैं ब्रदर ऑफ माइन इज अ डॉक्टर। अब कहानी क्या है कि वन ऑफ माय ब्रदर्स इज अ डॉक्टर सही है और उसका क्या मतलब है, ये समझना हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि हम उसको ओकेजनली पढ़ते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए कॉमन है। लेकिन अब ब्रदर ऑफ माइन कहीं पे लिखा होगा तो हम कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम इसको कम देखते बोलते पढ़ते हैं, हमें ज्यादा देखने बोलने में नहीं मिलता। लेकिन भाई वो नहीं मिलता अलग बात है, लेकिन दोनों सेम है। ये एक ही बात को कहने के दो तरीके, यहाँ पे हमने वन लिखा था, ये वन उस नाउन की जगह जरूरत था, हमने उसकी जगह नाउन नहीं लिख दिया। अब जब हमने नाउन एक बार लिख दिया तो दोबारा तो नाउन को रिपीट करके लिखेंगे, नहीं तो हम उसकी जगह प्रोनाउन लिखेंगे। अगर हम माय ब्रदर्स की जगह पर प्रोनाउन लिखेंगे तो सबको पता है कि मी नहीं माइन लिखा जाएगा, माइन का मतलब माय ब्रदर्स, ये एक ही बात हो गई। तो चाहे हम इसको अब ब्रदर ऑफ मी लिखें, सॉरी, चाहे हम इसको वन ऑफ माय ब्रदर्स लिखें या हम इसको अब ब्रदर ऑफ माइन लिखें, ये दोनों बातें एक ही, इधर में वी आर सेइंग द सेम थिंग। ये एक बात है। अब जरा इस पे जाते हैं, ये हमने क्वेश्चन लिखा माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द ब्रदर ऑफ मी इज अ डॉक्टर, द ब्रदर ऑफ मी इज अ डॉक्टर, ठीक है। द ब्रदर ऑफ मी इज अ डॉक्टर का मतलब एक ही भाई है और वो डॉक्टर है। अब यहां से एक चीज समझना, ये जो ऑफ मी है ना और ये माई है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है ये देखो, हम समझते हैं एक एग्जांपल से, ऐसा समझना, जैसे मैंने लिखा राम्स कार्स, ठीक है। तो अगर हमने राम्स कार्स लिखा है तो इसको अगर हम चाहें तो कार्स ऑफ राम भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई, आप राम्स कार लिखो या कार्स ऑफ राम लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब एक चीज और समझना, इसी तरीके से अगर जैसे मैंने लिखा माय कार्स लिख देते हैं, माय कार्स लिखा। अब यहां पर देखो, जैसे एक कार्स है हमारा नाउन, यहां पर भी एक कार्स नाउन, यहां पे राम जिसका पार्टिसिपेंट का डिटरमिनर है, यहां पर भी ये है। अब है क्या माय तो डिटरमिनर है, नाउन को डिटरमिन कर रहा है, लेकिन राम चूंकि डिटरमिनर नहीं होता है, नाउन होता है, तो हम उसका पार्टिसिपेंट यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमने राम्स लिखा है और माय लिखा है, ये इक्विवेलेंट हो गए, जो काम यहाँ पे राम्स कर रहा है वही काम यहाँ पे माय कर रहा है, ठीक है, ये डिटरमिनर है, वो नाउन है, पार्टिसिपेंट में लिखा गया। अब एक चीज समझना, जब हमें पता है कि कार्स ऑफ राम और राम्स कार का मीनिंग सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो राम्स है और ये जो ऑफ राम है, ये दोनों इक्वल हो गए। भाई आप राम्स लिखो या ऑफ राम लिखो, क्या फर्क पड़ता है, या तो पोजेसिव का नाउन यूज करो अपोस्ट्रोफी के साथ में, या फिर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीपोजिशन यूज करके उसको लिखो। तो अगर हम राम्स लिखे ऑफ राम लिखे तो बात देखिए, तो जब राम्स और ऑफ राम बात देखे और राम्स और माई बात देखे, तो क्या हम इसको कार्स ऑफ मी नहीं लिख सकते? राम्स इज इक्वल टू ऑफ राम, ठीक है, एंड राम इज इक्वल टू माई, देन माई बिकम्स इज इक्वल टू ऑफ मी। तो ये एक ही बात है, हम इसको जैसे चाहे कह लें, चाहे हम ये कह लें राम्स कार्स, चाहे हम लिख दें कार्स ऑफ राम, चाहे हम लिख दें माई कार्स, चाहे हम लिख दें कार्स ऑफ मी। तो जैसे ये राम्स जो है ये इक्विवेलेंट हो गया ऑफ राम का, वैसे ये माई इक्विवेलेंट हो गया ऑफ मी का। तो जो हमने लिखा ना माई ब्रदर, ठीक है, जैसे माई कार्स है वो वहां पे माई ब्रदर है, तो हम माई कार्स को कार्स ऑफ मी लिख सकते हैं, वैसे ही माई ब्रदर को ब्रदर ऑफ मी लिख सकते हैं। लेकिन वहां पे कहानी क्या होगी, क्योंकि ब्रदर जो है वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, ब्रदर जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो उसके बाद आर्टिकल लिखना पड़ेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनेंट के नहीं यूज किए जाते, ठीक है, आगे वाले वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे आर्टिकल के। अब जैसे हमने माई कार्स लिखा तो उसको हमने कार्स ऑफ मी लिख दिया, अगर हम लिखे माई कार तो इसको कार ऑफ मी लिखोगे, लेकिन कार सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना डिटरमिनेंट बिना आर्टिकल यूज होगा नहीं, तो हम इसके साथ में क्या करेंगे, द लिखते हैं द कार ऑफ मी। तो इसका मतलब द कार ऑफ मी और माई कार एक ही बात है।
तो वो जो माय ब्रदर इज अ डॉक्टर है ना, अगर हम शुरू चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं द ब्रदर ऑफ मी इज अ डॉक्टर, ठीक है। माय आ ब्रदर जो है वो तो गलत है ही है, उसको हमें वैसा लिखना पड़ेगा वन ऑफ माय ब्रदर्स, उसी वन ऑफ माय ब्रदर्स को अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं ब्रदर ऑफ माय इज अ डॉक्टर। तो ये एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक सेंटेंस हमारा आउट हो गया, माय ब्रदर्स आर डॉक्टर्स। इसको कैसे लिखोगे, इसको भी ऐसे लिख दो, माय का मतलब ऑफ मी होता है, तो इसको लिख दो द ब्रदर्स ऑफ मी, द ब्रदर्स ऑफ मी आर डॉक्टर्स, ठीक है। तो माय ब्रदर इज अ डॉक्टर को हम लिख सकते हैं द ब्रदर ऑफ मी इज अ डॉक्टर, माय ब्रदर्स आर डॉक्टर्स को हम लिख सकते हैं द ब्रदर्स ऑफ मी आर डॉक्टर, ठीक है। अगर हम सबकी बात कर रहे हैं, अगर वो सब एक ही है तो चाहे माय ब्रदर लिख दो चाहे द ब्रदर ऑफ मी लिख दो, अगर वो सबके सब हैं उनके सबकी बात हो रही है तो चाहे माय ब्रदर्स लिख दो चाहे द ब्रदर ऑफ मी लिख दो, ये एक ही बात है। लेकिन जब हम कईयों में से एक को रेफर करते हैं, मतलब जब हमें टोटल को नहीं एक फ्रैक्शन को रेफर करना होता है, वन ऑफ मैनी को रेफर करना था, तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ डॉक्टर, और ये जो वन ऑफ माई ब्रदर्स है इसी को अगर हम चाहें तो अब ब्रदर ऑफ माइंड भी लिखा जा सकता है, माइंड का मतलब यहाँ पर माई ब्रदर्स हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमें समझना ये भी जब हम वन ऑफ मैनी को रेफर करते हैं तो हमें वहां पर पजेसिव केस के प्रोनाउन यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। वो पजेसिव केस का प्रोनाउन होता है टोटल, ठीक है, उसमें से एक को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे आप ब्रदर है, एक कोई भाई है उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, लेकिन एक किन में से बहुत सारे हैं उनमें से, तो उन सबको रेफर करने के लिए हमने माइंड लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो भाई एक ही और कोई हुई ना, तो यहाँ पे टोटल रिप्रेजेंट किसे करेगा, तो वो गलत हो जाएगा, तो हम लिख देंगे द ब्रदर ऑफ मी या अ ब्रदर ऑफ माइन, ये दोनों से हो गए। जब ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो एक छोटे से क्वेश्चन देखना, हमने एक छोटे से क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, आवर अ टीचर हैज रिटन दिस एसे, हमने लिखा आवर अ टीचर हैज रिटन दिस एसे, मान लो हमने किसी मैगजीन में या किसी न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ा, फिर हमने देखा ये तो हमारी टीचर ने लिखा है, ठीक है, टीचर का नाम भी लिखा रहा उसमें, तो हमने ऐसे लिख दिया आवर अ टीचर हैज रिटन दिस एसे। अब यहाँ पे देखना, जैसे वो माय ब्रदर गलत था उसी तरीके से आवर टीचर भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर आवर लिख रहे तो इसका मतलब टीचर तो डेफिनेट हो गया, आ लिख रहे तो इसका मतलब ये डेफिनेट है, तो डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों एक ही बार में तो नहीं हो सकता, तो ये गलत लिख दिया हमने, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ से क्लियर हो जाती है, अगर हम आर टीचर लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब टीचर हमारे और भी होंगे, क्योंकि अगर ये टीचर इनडेफिनेट है, कोई भी इनडेफिनेट था वो जो बना मैं नहीं, तो इसका मतलब कई टीचर हमारे हैं, लेकिन उनमें से एक ने ऐसे लिखा और हम बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, स्पीकर नहीं जानता वो टीचर कौन से हमारे जिनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने आर्टिकल ए लिख दिया। तो जब हम कईयों में से एक की बात कर रहे हैं, वन ऑफ मैनी को रेफर कर रहे हैं, तो हमें ऐसे लिखना चाहिए वन ऑफ आवर टीचर्स हैज रिटन दिस एसे, तो ये तो है गलत स्ट्रक्चर और ये है सही स्ट्रक्चर, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे वन ऑफ आवर टीचर्स हैज रिटन दिस एसे। तो अब देखो ये वो वन हो गया जिसने ऐसे लिखा, और ये वो टोटल हो गए जिनमें से एक को हम रेफर कर रहे हैं, तो ये टोटल है ये वन है, तो ये हो गया वन ऑफ मैनी, वन ऑफ मैनी, ये टोटल है मैनी और ये वो वन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी को अगर हम लिखना चाहें दूसरे तरीके से, तो जैसे ये वन जो यूज हुआ टीचर के लिए यूज हुआ जिन्होंने ऐसे लिखा, तो हम क्या करते हैं इस वन को रिप्लेस करके उन टीचर को यहाँ पे सब्जेक्ट बना के लिख देते हैं आर टीचर ऑफ, तो वन ऑफ को हमने क्या किया टीचर ऑफ से रिप्लेस कर दिया। अब क्या करोगे जब टीचर नाउन पहले लिख चुके तो दोबारा तो टीचर लिखोगे नहीं, तो आवर टीचर्स तो गलत हो जाएगा, इसको रिप्लेस करके इसके लिए प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, इसके लिए प्रोनाउन क्या लिखोगे अस या आवर्स, अस लिखोगे तो अस हमें रेफर करेगा पर्सन को, लेकिन हमें पर्सन को तो रेफर नहीं करना, हमें तो पर्सन के पोजेशन को रेफर करना है टीचर्स को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आवर्स, आवर्स प्रोनाउन होता है, तो ये हो जाएगा अ टीचर ऑफ आवर्स हैज रिटन दिस एसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम वन ऑफ आर टीचर्स लिखें, आर टीचर ऑफ आवर्स लिखें, ये बात एक ही है, ये एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो वन ऑफ आर टीचर्स, चाहे लिखो आर टीचर ऑफ आवर्स, आर टीचर लिख दे तो इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू वन ऑफ मैनी, तो यहां पे मैनी आ जाएगा, मैनी के लिए प्रोनाउन आवर्स यूज होता है, असली को भी गलत हो जाएगा। एक सेंटेंस है वर्स में, हमने एक फोर्थ सेंटेंस लिखा, अ मदर ऑफ हिम
has sent in this gift. अब हमने लिखा a mother of him has sent this gift. तो ये जो स्ट्रक्चर हमने यूज किया ना a mother of him, तो इसका मतलब we are talking about one of many. तो यहाँ पे वो वन, यहाँ पर वो मैनी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. अब हमें पता मैनी का मतलब पजेशन, टोटल पजेशन, नॉट द पर्सन. तो यहाँ पर हमें इस पर्सन को नहीं लिखना है, इस पर्सन पे हम सारे पजेशन को लिखना है जिनमें से एक हम बात कर रहे हैं, ठीक है. अब उन पर्सन को हिम तो रेफर नहीं करेगा, क्योंकि हिम तो ऑब्जेक्टिव प्लेस का पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सन को रेफर करेगा. हमें पजेशन को रेफर करना है, तो हमें यहाँ पे कैदेस लिखना चाहिए हिज, ठीक है. अ मदर ऑफ हिज, जैसे हमने लिखा ना यहाँ पे अ ब्रदर ऑफ माइन, अ ब्रदर ऑफ माइन ये लिखा. तो जैसे हमने यहाँ ब्रदर ऑफ माइन लिखा, तो माइन का मतलब माई ब्रदर्स, तो वैसे हमें वहां पे लिखना चाहिए हिज, अ मदर ऑफ हिज. लेकिन एक चीज समझना, हिज तो लिख दोगे तो सेंटेंस ग्रामेटिकली तो सही हो जाएगा, लेकिन जैसा कि हम बार बार डिस्कस करते हैं कि रूल्स एक्सेप्शंस ये काम नहीं करते. सबसे बड़ी चीज होती है जब आपने एक बार फंडामेंटल्स क्लियर कर लिया, तो उसके बाद में आपको अपना कॉमन सेंस जरूर यूज करना चाहिए. अगर कॉमन सेंस से पैदल है तो ये रूल्स एक्सेप्शंस काम करेंगे नहीं, ठीक है. हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि 3 सेकंड्स में क्लोज टेस्ट कर दें, और चुटके बजाते ये ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है, ताली बजाते क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, ये सब मजाक है, ये बदतमीजी है, इसमें सबको पता है कुछ नहीं होता. और ये जो लोग क्लेम करते हैं इनको एक पेपर पकड़ा दो 2 घंटे में से अपने आप नहीं हो पाएगा पेपर, ठीक है, किसी को पढ़ाना और खुद स्कोर करना मार्क्स मतलब मुश्किल काम होता है, ठीक है. तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमने स्ट्रक्चर याद कर लिया, अब हमें स्ट्रक्चर याद कर लिया, हम क्या करेंगे, बदतमीजी देंगे. बदतमीजी क्या देंगे, क्योंकि हमने हम समझना नहीं चाहते चीजों को, हम याद कर रहे थे, जब हमें समझाया जा रहा था तो हम याद कर रहे थे, ठीक है. तो अ मदर ऑफ हिम के अकॉर्डिंग हम हिज लिख देंगे, लेकिन एक चीज सोचो, मदर तो किसी भी पर्सन की एक ही होती है भाई. वन कैन हैव मैनी ब्रदर्स, वन कैन हैव मैनी फ्रेंड्स, वन कैन हैव मैनी टीचर्स, वन कैन हैव मैनी फ्रेंड्स. तो हमारे फ्रेंड्स कई हो सकते हैं, ब्रदर्स कई हो सकते हैं, सिस्टर कई हो सकते हैं, टीचर कई हो सकते हैं, अंकल कई हो सकते हैं, मदर तो एक ही होंगी, ठीक है. हालांकि मैं यहाँ पे पापा की बात नहीं करूंगा, लेकिन मदर तो कम से कम एक ही होंगे मैं, ठीक है. तो जैसे मैंने लिखा मदर ऑफ हिम हैज सेंट हिम दिस गिफ्ट, तो भैया ये गलत हो गया, ठीक है. वो हिम सही है तुम्हारा, ये मदर गलत है, इसके साथ में डालें. सो देयर कुड बी सम सिचुएशंस की जिसमें आपको प्रोनाउन चेंज करके आर्टिकल ही चेंज करना पड़ जाए. तो अगर हम मान लो हमने पढ़ा कि ए आर्टिकल का हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं वन ऑफ मैनी की, लेकिन ये वन ऑफ मैनी वाली सिचुएशन कैसे हो सकती है, तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मदर तो किसी की भी एक ही होती है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट समवन स्पेसिफिक, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली पर्सन, मदर तो एक ही होती है ना. तो हमें यहाँ पे बजाय की हिज लिखने के यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था. लेकिन अगर मान लो यहीं पे सेंटेंस लिखा होता फ्रेंड, लिखा होता अ फ्रेंड ऑफ हिम हैज सेंट हिम this gift, huh? अगर हम लिख देते हैं ऐसे a friend of him has sent him this gift, तो a friend का मतलब क्या हो गया, one of many, ठीक है. अगर ये one of many हो गया a friend of him, ठीक है, तो अगर ये वो one हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये one किन में से, यहाँ पे हमें वो total लिखना पड़ेगा. अब उस total को him तो refer करेगा नहीं, क्योंकि him का मतलब तो he है objective case का. जैसे आई और मी होता है सेम, वैसे ही और हिम होता है सेम, ही सब्जेक्ट होता है, ही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमें हिम को तो रेफर ही नहीं करना, हमें तो उसके फ्रेंड्स को रेफर करना है जिनमें से एक की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे हिज लिखना पड़ेगा. तो कहानी क्या है, सब कुछ सीखने के बावजूद भी अपना कॉमन सेंस यूज करते रहना है, क्योंकि सेंटेंस में एक वर्ड चेंज कर देने से, उसकी जगह पे कुछ नया वर्ड लिख देने से, उसको हटा देने से, ऐड कर देने से मीनिंग्स में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है. और वो जो सिचुएशन चेंज होते हैं ना, वो हमारे ट्रीटमेंट को चेंज कर देते हैं, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को ट्रीट करना पड़ता है, सेंटेंस को ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है. अब यहाँ पे कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि अगर हम ये हिम सही करना चाहें तो यहाँ पे द लिख कैसे कर सकते हैं, भैया हम ऐसे लिखते हैं द फ्रेंड ऑफ हिम हैज सेंट हिम दिस गिफ्ट, तो सही हो जाएगा. तो मैं उन बच्चों को भी एक चीज समझा देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कभी ऐसे लगे कि कोई एक सेंटेंस है, उसको 2 तरीके से किया जा सकता है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ये सी पार्ट है, ठीक है. अब हमें पता है कि ए पार्ट में अगर हम द लिख दें तो भी सही जाने, बी पार्ट में हिज लिखते हैं तो भी सही जाने, हिम की जगह हिज लिखते हैं तो भी सही जाने, क्या करोगे, तो हमेशा लेटर मोस्ट पार्ट को करेक्ट करोगे, ठीक है. जब कभी ऐसा लगे कि किसी एक सेंटेंस को 2 तरीके से सही किया जा सकता है और दोनों ही तरीके सेंसिबल हैं, दोनों में से कोई भी तरीका जो है वो काम करेगा, ठीक है, तो फिर आपको हमेशा बाद वाला करेक्शन करना चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश को पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट,
तो जो हम लेफ्ट में पढ़ते हैं और जो राइट में पढ़ते हैं, तो जो लेफ्ट में पढ़ते हैं वो बेसिस होता है, तो उसी के बेसिस पर हम पता लगाते हैं कि चीजें आगे गलत हो रही है कि सही जा रही है। ठीक है, अगर गलत हो रही है तो वापस करेक्शन कर दो, आप वापस आके तो करेक्शन नहीं करोगे। अगर हम इंग्लिश को पढ़ते हैं राइट टू लेफ्ट, जैसे उर्दू को पढ़ा जाता है, अगर हम इंग्लिश को पढ़ते हैं राइट टू लेफ्ट तो हम ए पार्ट का करेक्शन करेंगे, अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो हम बी पार्ट का करेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे बात ये कि अगर हमें लगे कि हम बाद वाला और पहले वाला दोनों से कोई भी करेक्शन कर देंगे तो सेंटेंस हमारा सही होगा सेंसिबली, ठीक है, और वो एक मतलब ऐसा मीनिंग होगा जिसको जस्टिफाई किया जा सकता है, वो गलत नहीं होगा, अनाप शनाप नहीं होगा, बेतुका नहीं होगा, तो हमेशा बाद वाला क्या करो। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जिनमें बाद वाला करेक्शन कर ही नहीं पाओगे, जैसे ये वाला। अब जैसे हमने लिख दिया अ मदर ऑफ हिम हैज सेंट हिम गिफ्ट, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम की जगह थोड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस लिख देंगे तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं उसकी कई माँ थी उनमें से एक माँ ने भेजा, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं होगा, मदर तो सबकी एक ही होती है, तो यहाँ पे पहले वाले का करेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा लगे सकते हैं कि दोनों तरीके से सही हो सकता है तो हमें सब बात वाला क्या करें। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल हमने लिखा द एज ऑफ इज नॉट मोर देन योर। अब देखो मैं इस सेंटेंस को फ्रैक्शंस में नहीं लिख रहा क्योंकि मैं यहां पर दो चीजें आपको एक साथ में समझाना चाहता हूं, ठीक है, तो दोनों के लिए मैं इसको ऐसे ही ओपन छोड़ देता हूं। द एज ऑफ हिज इज नॉट मोर देन योर, ठीक है। अब यह देखना, अभी हमने डिस्कस किया था कि योर का मतलब होता है डिटरमिनर, ये डिटरमिनर होता है बिना नाउन के यूज होगा, तो जैसे यहां पे लिखा ना एज, तो हमें पता है एज की बात हो रही है, तो जो योर डिटरमिनर है ये एज को यूपी रेफर करने के लिए यूज हो रहा है, तो इसके साथ में एज लिख दो। The age of his is not more than your age. या तो your age लिख दो। अच्छा, age को बार-बार repeat करने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो already पहले से sentence में लिखा हुआ है, ठीक है? तो एक काम करो, उसके लिए pronoun लिख दो। Pronoun लिखोगे तो pronoun होता है yours। तो एक तो ये correction पहले, ठीक है? कि your determiner है, yours pronoun है, ठीक है? Me, my determiner है, mine pronoun है। Our determiner है, ours pronoun है, ठीक? ये आ जाएगा समझ में? अब यहाँ जाओ। हमने लिखा द एज ऑफ हिज इज नॉट मोर देन योर्स, तो अगर हम हिज लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या टॉकिंग अबाउट वन ऑफ मेनी, जैसे हमने लिखा ना हिज, तो हिज का मतलब वन ऑफ मेनी, ठीक है। हिम लिखा तो इसका मतलब द ओनली वन, तो एज क्या पर्सन की कई होती है, एज तो एक ही होती है, एक पर्सन की एक ही एज होती है, ठीक है, मल्टीपल एजेस तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे अगर हम हिम लिख देंगे तो सही होगा, या यहाँ पे द की जगह ए लिख देंगे तो सही, तो हमें पता है कि वो द सही है क्योंकि एज किसी भी पर्सन की एक ही होती है, ठीक है, एक ही उसकी लाइफ होती है, एक ही उस लाइफ को मेजर करने की मतलब क्वांटिटी होती है एज जिसे हम कह देते हैं, तो ये जो द है ये तो सही है, ये हिज तुम्हारा गलत हो गया, इसको हम लिख, तो हमें इसको ऐसे लेना पड़ेगा द एज ऑफ हिम इज नॉट मोर देन योर्स। अभी जो ए आर्टिकल्स थे और द आर्टिकल था, ये सेंटेंस में किस तरीके से प्रोनाउंस के यूजर्स को डिटरमिन करते हैं कि अगर हमने ए लिख दिया है तो इसका मतलब वन ऑफ मैनी की बात कर रहे हैं, तो हमें उसके बाद में ऑफ के बाद में पजेसिव केस का प्रोनाउन लिखना पड़ेगा जो उस टोटल को रेफर करेगा जिसमें से एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम द आर्टिकल लिख देंगे तो इसका मतलब हम किसी एक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, और अगर एक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो हम टोटल के लिए वहां पर पजेसिव केस का प्रोनाउन नहीं लिख पाएंगे, तो हम क्या करेंगे ऑफ प्रीपोजिशन के बाद में जो ऑब्जेक्टिव केसेस यूज किए जाते हैं वो यूज करेंगे, ठीक है। और वो बात ध्यान रखना कि माई और ऑफ मी ये दोनों सेम है, ठीक है, ग्राम्स और ऑफ राम ये दोनों सेम, ठीक है। तो हमने यहां पे ये देखा कि जो प्रोनाउन होता है उसको किस तरीके से आर्टिकल गवर्न करते हैं, किस तरीके से उसको डिटरमिन करते हैं, ठीक है। अब जरा हम नाउन के साथ में भी देख लेते हैं ये यूज, कि अगर मान लो हम नाउन यूज करें तो फिर कैसे लिखना पड़ेगा। तो हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा An uncle of Kamal met me there. और दूसरा हमने लिखा The uncle of Kamal's met me there. अब देखो यहां पर समझना, ये जो हमने कमल लिखा ये सब्जेक्ट तो है नहीं, प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जैसे कि मी होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमने कमल्स लिखा है पजेसिव केस का, ठीक है,
ऑप्शन क्वेश्चन के बाद में। तो ये कमल्स का मतलब है कमल के पजेशंस, पजेशंस का मतलब कमल के अंकल्स, यहाँ पे अंकल की बात हो रही है तो इसका मतलब अंकल्स। तो ये कमल्स का मतलब क्या, जैसे माइंड, ठीक है, तो कमल्स का मतलब हो गया माइंड, पजेशन को रेफर करेगा, माइंड रेफर करता है पजेशन को, कमल पर्सन को रेफर करेगा तो पर्सन के लिए नियुक्त होता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये आर्टिकल दो है, ये आर्टिकल एन है, अगर हम दो आर्टिकल लिख रहे हैं इसका मतलब हम जिस पर्सन की बात कर रहे हैं वो पर्सन एक ही है, एक ही है का मतलब ये सेंटेंस है माई अंकल, द अंकल लिखने का मतलब क्या हुआ माई अंकल, ठीक है, माई अंकल कह लो कमल की बात हो रही है तो कमल अंकल कह लो, ये ऐसे है, ठीक है। अगर हम लिख रहे हैं एन अंकल, तो एन अंकल का मतलब यार टॉकिंग और वन ऑफ मेनी, हम कई अंकल्स में से एक ही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वन ऑफ माई अंकल्स, वन ऑफ माई अंकल्स, मेरे अंकल्स में से कोई एक, ठीक है। अब चूंकि यहां पे बात कमल की हो रही है तो हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, वन ऑफ कमल्स अंकल्स, वन ऑफ कमल्स अंकल्स, ऐसे लिख सकते। अब यहां पे एक चीज समझना, वन ऑफ माई अंकल्स को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एन अंकल ऑफ, वन ऑफ माई अंकल्स को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एन अंकल ऑफ मी, माइंड सॉरी, एन अंकल ऑफ माइंड, ठीक है, माई अंकल्स के प्रोनाउन माइंड आ गया। अगर इस तरह वन ऑफ कमल्स अंकल्स लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एन अंकल ऑफ कमल्स। तो जो कमल्स है ना, इसका मतलब है कमल के टोटल अंकल्स, और उनमें से एक ये हो गया जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको हमने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो अगर हम एन अंकल लिख रहे हैं तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ मेनी, हम वन ऑफ मेनी की बात कर रहे हैं, तो ये वो वन हो गया जिनकी हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वो मेनी आएगा जिसकी बात कर रहे हैं, तो उस मेनी को कमल नहीं रिप्रेजेंट करेगा, कमल्स करेगा पजेसिव केस का, क्योंकि हम बात पजेसन की कर रहे हैं, पर्सन की नहीं, तो यहाँ पे जाएगा कमल्स, ठीक है। फिर हमने लिखा था अंकल ऑफ कमल्स मेट मी देयर, तो अगर हम लिख रहे हैं तो अंकल ऑफ कमल्स, तो इसका मतलब कमल के अंकल एक ही होंगे, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कमल्स अंकल एक ही अंकल होंगे। अब हमने कहा कि माई अंकल जो होता है इसका मतलब होता है द अंकल ऑफ मी, द अंकल ऑफ मी, तो कमल्स अंकल का मतलब क्या हो जाएगा, द अंकल ऑफ कमल, द अंकल ऑफ कमल हो गया इसका मतलब, तो इसका मतलब अगर द अंकल ऑफ कमल हो गया तो हमने कमल्स को ले रखा है तो गलत हो गया, तो इस तरीके से इसको हम चेक करेंगे। The police have arrested a servant of the minister. अब देखो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, The police have arrested a servant of the minister, ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा a servant, a servant का मतलब क्या हो गया कि मिनिस्टर का सर्वेंट एक ही होगा या कई होंगे, अगर आ लिख रहे तो कई होंगे क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल है, इंडेफिनिट कोई नाम तभी होता है जब वन हो मैनी हो, तो ये वो वन हो गया जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन एक इनमें से वो टोटल कौन सा जिसमें से एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो हमें टोटल लिखना पड़ेगा, उस टोटल को कौन रेफर करेगा, मिनिस्टर है मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर तो करेगा नहीं क्योंकि बात मिनिस्टर की नहीं हो रही, मिनिस्टर के पजेशंस की हो रही, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे द पुलिस हैव अरेस्टेड अ सर्वेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है। अब मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा आगे चेंज करके ऐसे लिख देता हूं, द पुलिस हैव arrested, the police have arrested the secretary of the minister's, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा the police have arrested the secretary of the minister's, अब हमने the secretary लिखा, the secretary का मतलब जिस person की हम बात कर रहे हैं वो person एक ही होगा, one of many तो होगा नहीं, अब ये पर्सन एक ही होगा, अगर ये पर्सन एक ही होगा तो यहाँ पे हमने मिनिस्टर्स क्यों लिख दिया, हम कोई और पोजीशन की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो एक सिंगल पोजीशन की बात कर रहे हैं, वो एक ही है और कोई है नहीं, तो अगर कोई और है नहीं तो ये पोजीशन कैसे हटा दो, तो इसको ऐसे लिख दो द पुलिस हैव अरेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर, और इसको ऐसे लिख दो द पुलिस हैव अरेस्टेड अ सर्वेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। तो ये हमें समझना है कि अगर हम यहाँ पे आर्टिकल ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम किसी एक की बात कर रहे हैं, किसी एक का मतलब होंगे और भी वहां पे, ठीक है, तो ये वो एक हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो टोटल हो गया, तो ये सिचुएशन हो गई वन ऑफ मेनी, ठीक है। The police have arrested a servant of the minister. तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, The police have arrested one of the servants of the minister. ऐसे, ठीक है? अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, पहले से समझना। The police have arrested the secretary of the minister. अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, The police
have arrested the minister's secretary. The minister's secretary. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? The minister's secretary लिख दो, या the secretary of the minister लिख दो, एक ही बात है। अगर इसको हम लिखें तो कैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो बात एक की नहीं हो रही, यहां पे तो बात गई की हो रही है, ठीक है? तो इसको हमें वन ऑफ वाली सिचुएशन में लिखना पड़ेगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड वन ऑफ द मिनिस्टर्स सर्वेंट। ठीक है, वन ऑफ द मिनिस्टर्स सर्वेंट्स, ठीक है? तो ये सही जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इस स्ट्रक्चर को हमेशा ही यूज करने में अवॉइड किया करो। अगर ये कभी भी लिखा हुआ है और किसी क्वेश्चन में आया सेंटेंस हमको इंप्रूवमेंट में, जैसे आपका ये ऑप्शन लिखा हो द पुलिस हैव अरेस्टेड वन ऑफ द मिनिस्टर्स सर्वेंट्स, ये लिखा हुआ हो और सेंटेंस में ये वाला ऑप्शन भी दिया अ सर्वेंट ऑफ द मिनिस्टर, तो हमेशा उसी को टिक करना ही गलत है, ठीक है? ये एम्बिगस है असल में, ठीक है? इसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। लैंग्वेज में हमारी कोशिश होती है कि जो भी हम सेंटेंस लिखते बोलते बताते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब वो ऐसे हो जिनमें एम्बिगुटीज खत्म हो जाए, ठीक है? तो ये एम्बिगस स्ट्रक्चर है और ये गलत है, इसको अवॉइड करना है, ठीक है? अच्छा, क्यों हम इसे अवॉइड कर रहे हैं सर, क्या इसमें गलत हो गया, ठीक है? और ये जो हमने ए एन आर्टिकल और द का सिचुएशन डिस्कस किया, वन ऑफ मैनी और द ओनली वन वाली सिचुएशन को रेफर करने के लिए, ठीक है, कि अगर हमें वन ऑफ मैनी को लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ में पजेसिव केस, जो टोटल को रेफर करेगा। द ओनली लिखना है, द ओनली पर्सन की बात करनी है, किसी एक ही पर्सन की बात करनी है, तो हमें द आर्टिकल के साथ में उस पर्सन को लिखकर फिर ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्या इसके और भी कोई यूजेस हैं, क्या कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस हमारी लैंग्वेज में, हमारे कॉम्पिटेटिव सिलेबस में, हमारे पेपर्स में आते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट की मदद से सीखे हैं, समझे जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं, ठीक है? काफी है वैसे, जितने हमने डिस्कस किए इससे ज्यादा ही, मतलब इतने ही और है कम से कम, ठीक है? और ये गलत है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हम अगला आर्टिकल का वीडियो बना के आपके लिए लाएंगे, ठीक है ना? उस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर गलत क्यों है, इसको अवॉइड क्यों करना है, क्या वजह है ये गलत हो जाता है, ठीक है? और ये जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इनके फर्दर इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब और इनको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है हमारे क्वेश्चंस में, और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं हमारे लैंग्वेज में, हमारे क्वेश्चन पेपर्स में, जिन पे यही कॉन्सेप्ट हमारा मदद कर देगा हम उन्हें समझने के लिए, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, कल या परसों में सूर्य अपलोड करते हैं बनाने के बाद में। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।